नमस्कार मैं हूं हूँ अवनिंद्राजतोष बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जनप्रतिनिधि के साथ रिपोर्टर की बात जाहिर सी बात है जब भी कोई जनप्रतिनिधि काम करता है तो उसके ऊपर हर तरह के आरोप भी लगते हैं और कहीं ना कहीं से उनकी तारीफ भी होती है हमारे साथ आज एक ऐसे नेता हैं जिनका मकसद ही है हमेशा आम लोगों की भावनाओं को समझते हुए उनको सेवा देना और सीधे हम चलते हैं रमेश सिंह जी के पास ठाकुर रमेश सिंह जी लगातार आम आदमी की सेवा में कार्यकाल गुजारते रहे हैं और आने वाले छः महीने के बाद फिर से चुनाव है एक बार फिर से हम रमेश जी से जानते हैं पूरा इनकी गतिविधियों का आकलन करते हुए सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सर हमारी जनता को अभिनंदन है कि जो इस लोकसभा इलेक्शन में जो वोटिंग की है उसके लिए मैं सभी जनता का मैं आभारी हूँ और अभिनंदन करता दूँ उन लोगों ने जो भारी मतों से वोटिंग की है उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ सर आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की हर गतिविधि से अवगत हैं आज के देश में जो कांग्रेस के प्रति एक अविश्वास का माहौल बना है उसको आप किस तरह से देखते हैं कि वाकई कुछ कमी रह गई या फिर कुछ नहीं उसमें कमी ऐसे हमारी सरकार जो भी कामें की है लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाए हैं अब जैसे मनरेगा का काम है ठीक है सेंटर ने पैसा भेजा है गवर्नमेंट लेकिन हम स्टेट में हम उसको भजा नहीं पाए पब्लिक को लगता है हम ये स्टेट दे रही है और कहीं कहीं पैसा ऐसा है कि उन्हें मिला नहीं पैसा जिनको चाहिए पैसा मिलने के लिए वो मिला नहीं है तो हमारे एक ही थी कि ठीक है अगर हमारे गवर्नमेंट है गवर्नमेंट अगर वहाँ से सेंट्रल से भेजती इंक्वायरी करती थी तो हम कहीं ना कहीं तो अपने बेनिफिट में आते थे प्रचार वहाँ से चालू तक पब्लिक को जान भी है सेंट्रल का पैसा आया सर आप जनप्रतिनिधियों से लगातार जनप्रतिनिधि के नाते आम आदमी तक पहुँचते हैं ज़्यादातर किस तरह की समस्याएँ आती हैं आपके पास जो भी लोग आते हैं परेशान लोग ही आते हैं आपके पास हमारे बात देखो ऐसा है कि अभी ठीक है हमारे भी कुछ समस्याएं हैं ठीक है अब हम ये नहीं बोल सकते ब्यूरोकेट्स में कमी है कि हमारे मंत्रियों में कमी है हम हर एक योजनाएं लाते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल करके हम छोड़ देते हैं अभी हमारी दो तीन है मैं जैसे राजीव गांधी योजना का है जीवनदाई योजना अब ये चली बाद में बंद हो गई बंद होने का कारण क्या है कि भैया चालू लेकिन पेमेंट हमको नहीं मिला है तो पब्लिक वो नहीं देखती पब्लिक वो अपना काम देखती है कि हमारा काम होना चाहिए हम भटकेंगे नहीं लेकिन आज की तारीख़ में ऐसा मेरा सीएम से भी हमारे सुरेश शेट्टी जी से भी विनती है और मैं उनको लेटर भी लिख रहा हूँ कल सीएम साहब आ जाएंगे तो शाम को जाऊँगा भी उनके पास कि भाई ये जो ये जो ना आप बंद किए हो क्या कारण या तो पेमेंट उनका रिलीज करो कम से जो आम पब्लिक सुबह अगर आप चालू किए तो इसको चालू करो नहीं तो कहीं ना कहीं हम एक झूठे वातावरण में खड़े हो रहे हैं अब ये फूड कारपोरेशन का था दो महीना चलने के बाद फिर बंद हो गया तो ये कहीं ना कहीं सामने वाले को हम मौका दे रहे हैं अपोजिशन को हम मौका दे रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन पीरियड में इसको चालू किए अभी बंद किए इसको कहीं ना कहीं कही इसको कंटिन्यू चालू रखो अगर हम योजनाएं बनाएं तो हमें इसको चालू करना चाहिए आज हमारी ठीक हम गैस सिलेंडर की थी गैस सिलेंडर जो पहले चालू था वही आज चालू हुआ बीच में उसको नाटक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी एट ए चल रहा था जो एजेंसी कर रहे थे करने दी वो उसको छेड़ के कोई फायदा नहीं था आप वो भी नहीं कर रहे तो पब्लिक की जो थ्योरी है पब्लिक आज की ये चाहती कि भाई हमारा काम होना चाहिए हम सौ एजेंसी डालो हम डायरेक्ट उनको पैसा डालोगे तो आपको सौ डायरेक्ट उनको मंथली चाहिए पैसा लेकिन मैं जानता हूँ कि हम वो दे नहीं पाएंगे उनको आठ साल दस साल तीन साल चार साल भी जाता है तो जो एजेंसियां वो अपना बेयर करती है कैसे करना उनके ऊपर रहता है पब्लिक वो नहीं देखती है पब्लिक को देख हमारा महीने के चाहिए हम आधार कार्ड बनवाए से अकाउंट खोले सब कुछ खोले कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो या तो हमारे मंत्री लोगों के ब्यूरोट्स चला रहे हैं या तो मंत्री चला रहे हैं हम आज जो फेल हो रहे हैं इस पर फेल हो रहे हैं हमारा कुछ नहीं है हम आज इतना काम करके दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं या तो ब्यूरोट्स की वजह से हम कमज़ोर पड़ रहे हैं अगर आप मंत्री बनते हैं आपकी सरकार वापस बनती है महाराष्ट्र में जिस तो, जिस तरह से अभी आज भी आपकी सरकार है तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाएंगे मंत्री बनने के बाद नहीं हमें दोनों को देखो एक ऐसा है कि चाहे विधायक है चाहे कारपोरेशन है कॉरपोरेशन में नगर सेवक है तो दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है मिनिस्ट्री में तो दोनों डिपार्ट के साथ साथ आपको चल रहा है लेकिन ये है कि उसके साथ दोनों साथ में चलते हुए मैं उसके भी देखना कि पब्लिक को मेन प्रोवाइड करना जो चीज़ हम करके दे रहे हैं पब्लिक के लिए उसे देखना कि उसका उसकी सेवा चालू रहे हम पब्लिक के नौकर हैं ना कि हम ब्यूरोट्स के ब्यूरोट्स और पब्लिक हम मंत्री बने तो हम पब्लिक की सेवा के लिए ब्यूरोट्स से पब्लिक का नौकर है ना कि वो अफसर है वो पब्लिक के काम के लिए बैठ हमें उसका एक रास्ता निकाल कर भाई कैसे हमें इसको पब्लिक को प्रोवाइड करना है विभाग की बात करें ठाकुर साहब तो आपको क्या लगता है कौन से विभाग में आप कंफर्टेबल होंगे कौन सा ज्यादा दिलचस्पी लेंगे आप नहीं अरे तो पार्टी कंडीशन मैं उस पर नहीं बोल सकता हूँ हमारा काम नहीं हमें जो है वहाँ का एक अभी जो ठाकुर रमेश सिंह जी बोल रहे हैं इसका मकसद सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं से जो चाहत होगी वो इनकी पार्टी की होगी और जाहिर सी बात है पार्टी अगर जो भी जिम्मेदारी देगी ठाकुर साहब उसको मानेंगे लेकिन हर नेता के ऊपर बहुत ही आसानी से आरोप लगा दिया जाता है जबकि वो काम करता है और ठाकुर रमेश सिंह ऐसे एम हैं जिन्होंने कभी किसी को अपने दर से निराश नहीं किया है लेकिन जब आलोचना होती है जबकि काम करते हैं आप लोग तो क्या गुजरती है क्योंकि आप भी इंसान हैं नहीं नहीं इसमें हमें एक सीखने को मिलता है आलोचनाएं आती है तो हमें सुनना पड़ता है कहीं ठीक हमें सीखने को मिलता है कहीं हमारी कमजोरियां हैं उसे हमें दूर करना है अगर हमें सब कुछ अच्छाइयां मिलेगी तो बुराई कौन सीखेगा अगर बुराई मिले तो हमें मालूम तो पड़ेगा भाई यहाँ पर हमें नुकसान है यहाँ पर फ़ायदा है तो उससे हमें सीखने को भी मिलता है कि भाई ये काम हमें करना है तो उसके लिए हमें दौड़ना पड़ेगा हर एक जगह सब सुविधाएँ हमें मिल जाएगी तो हम दौड़ेंगे क्यों पब्लिक दौड़ेगी क्यों बोले कि भाई ठीक हमारा तो मिल रहा है ना लेकिन कहीं बुराइयाँ तो हमें सीखने को भी उसे मिलता है इसके लिए उसके बुरा करके फायदा नहीं है उसे अगर हम जब भी मुंबई की बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी है बहुत ही खूबसूरत शहरों में इसका नाम आता है और ठाकुर कॉम्प्लेक्स ठाकुर विलेज ठाकुर गांव ठाकुर कॉलेज ठाकुर मॉल ऐसे कई कई विषय हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं से मुंबई के लोग गर्व करते हैं ठाकुर रमेश सिंह जी की जो भूमिका है बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कही जाएगी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ये जो पूरा शहर बसा है सर इसमें आप किस चीज़ को खासियत मानते हैं और क्या आम आदमी को और क्या बताना चाहेंगे अपने इलाके के बारे में नहीं हमारे जो यहाँ पे हमारी पूरी यहाँ की जनता का आशीर्वाद है कि ठीक है हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया उस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुविधा हमें पब्लिक को देनी उस बेस को हमें पकड़ना ठीक है हम एक टाइम देखो चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट की टाइम है तो वो लोग दस साल बीस साल पहले की सोच के बैठते थे कि बीस साल आने वाला प्रोजेक्ट क्या बनाना है उसको सोच नहीं आज का नहीं सोचते थे वो वो बीस साल पहले का सोच के चलते भाई बीस साल में क्या होने वाला उसके हिसाब से प्रोजेक्ट तैयार कर दो तो इस हिसाब से हम लोगों ने भाई आने वाले टाइम में अगर हमें ये तैयार करना तो उस हिसाब से हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देना क्या सुविधा पब्लिक को देना उस हिसाब से हम लोगों ने वो तैयार किए हैं इससे जो हमारी पब्लिक है उन्हें लगता है कि भाई हमें यहाँ पे हर एक सुविधाएं मिल सकती है इस हिसाब से हमने डेवलप किया हूं इसको सर आपके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं जानते आपके शौक कैसे हैं म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं फिल्में देखते हैं कि नहीं उस बारे में कुछ कहें नहीं मैं देखो एक टाइम था मेरा जब भी मैं पब्लिक में नहीं था पब्लिक सिटी में तो हर फ्राइडे को मैं जाता था फिल्म देखने के लिए जैसे नई फिल्म रिलीज होती जाता था लेकिन जब से पब्लिक लाइन में तब से मैं फिल्म देखना बंद कर दिया हूँ ठीक है टी पे कभी रात बिरात को गए तो अपन चैनल पर देख ले देख ले नहीं तो फिर अपना न्यूज़ देख के चैप्टर ख़त्म कर और खाने पीने का कुछ खास बताएंगे शौक़ किस तरह का उत्तर भारतीय शौक़ है या फिर मुंबईया हो गए हैं आप नहीं नहीं मैं मुंबईया नहीं मैं हर एक भाषा में हूँ ऐसा नहीं चाहे कोई भी रहता जो हमारी खाने पीने का हम घर पे ही खाते हैं बाहर बहुत कम खाते होटलों में तो जल्दी भी नहीं बैठते हैं अगर कहीं भी रहेगा तो हम बना के खाते हैं एक एम जब कोई अच्छा काम करता है तो एक एम का बहुत बड़ा योगदान होता है सर अक्सर अच्छा हमने कई कांग्रेसी प्रिया दत्त को भी सुना है कि जो हमारे एम होते हैं उनसे बहुत मदद मिलती है तो संजय नुर्कम और आपका जो एक साथ है एक रिश्ता है उसके बारे में क्या कहेंगे आप नहीं हमारा संजय नुर्म का जो साथ हो बना रहेगा का, कायम रहेगा ऐसा नहीं है हमारा उनका कोई वो नहीं है लेकिन हमारा बना है दोस्ती एक त्योहार हर एक चीज बना है जिसे एक बार जुड़ा हो जाता है हमारा विचार है कि भाई उसे तोड़ना नहीं चाहिए उसे जोड़ करके जितना आप जोड़ के रखो उतना आपका और उनका फायदा रहता है ये बेच सर सर ये आपके जो अजय राय हैं आपकी पार्टी के हैं जो बनारस से लड़ रहे हैं कांग्रेस के उन्होंने आज आचार संहिता का उल्लंघन किया है नरेंद्र मोदी ने भी कमल का फूल दिखाया था तो आने वाले दिनों में लगता है कि ये परम्परा सी बन जाएगी या फिर इसको रोकना चाहिए नहीं नहीं जो आचार संहिता का नियम है उसे पालन करना जरूरी है उसे पालन करना चाहिए नियम को तोड़ना नहीं चाहिए ठीक है इन लोगों से गलतियों में हो गई है लेकिन मैंने सो देखा कि जो उन्होंने माफ़ी भी मांगा अच्छा चुनाव आयोग से तो भाई मेरी गलती हो गई मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए नरेंद्र मोदी का ठीक है उन्होंने भूल चूक में कैसे की वो उनको मालूम है ठीक है उनको दिखावा है कि क्या है क्योंकि हर साल तो जैकेट में लगाते हैं हर तो टाइम में तो जैकेट में लगा लेकिन उस दिन उनको दिखाने की ज़रूरत पड़ गई अहमदाबाद में बड़ौदरा में बड़ौदा में थे ना तो बड़ौदा में दिखाने की ज़रूरत पड़ गई तो है तो कहीं ना कहीं हो गई हो ठीक है गलतियाँ हो गई होंगी भूल चुप अक्सर जब चुनाव आता है सर बड़ी उम्मीद बढ़ जाती है जनता की आप नेता के तौर पर किन मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं देखो हमें ये देखना कि हमारी पब्लिक को क्या सुविधाएँ चाहिए क्या ज़रूरतें पड़ सकती ठीक है हम आज अरबों काम करें हर एक चीज़ काम करें लेकिन आज काम करके भी हम फेल हो जाते हैं पब्लिक की एक दिशा अलग बदल जाती है जिससे हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि हम कहाँ पे जा रहे हैं तो हमें ये विशेष करके सोचना कि पब्लिक की ज़रूरतें क्या उस हिसाब से उतने पे दें दे मैं उस लिमिट से चलाएँ तो हम सक्सेस हो सकते हैं इस चीज़ को आपके घर में एक बहुत बड़ी परंपरा सी रही है सेवा की चाहे वो शहर का की सेवा हो या फिर राजनीतिक सेवा हो और आम आदमी आपके पुत्र जो हैं सागर जी भी नगर सेवक हैं उनका जो रोल है पॉलिटिक्स में या फिर समाज में उसको एक पिता के नाते आप कैसे देखते हैं उनको अभी वो सीख रहे हैं मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्रॉपर वो तैयार हो, हो चुके हैं प्रॉपर अभी तैयार नहीं हो वो सीख रहे हैं तो उनका सीखने का नेचर ठीक है भाई कोई एक आदमी को फ्रीडम देना पड़ता है कि भाई ठीक है आप उस जवाबदारी को ले रहे हो तो उसे निभाओ किस तरह से निभा ठीक है हम बाप बाप का एक फर्ज बनता है भाई कहीं भी गलतियाँ कुछ भी है तो उसे संभालना कैसे संभाल के निकाल लो लेकिन फ्रीडम भी देना जरूरी भाई आप अपने हिसाब से काम करो हम बंधन में नहीं डालना चाहते क्योंकि आज हमारे बात नगर से वो पाँच नगर सेवक हमारे अंडर में हैं पाँच नगर सेवक को ये है कि भाई ठीक है आप अपनी फ्रीडम किसी को भी नगर सेवक को मैंने वो नहीं दिया हूँ दबाव नहीं डाला हूँ तो अपने तो फ्रीडम में अपना काम करो आपको जैसे बनता वैसे है ये है कि हमारे पास गलतियाँ नहीं आनी चाहिए किसी की कंप्लेनें नहीं आनी चाहिए बुराइयाँ नहीं आनी चाहिए आप अपने हिसाब से अपना काम करो हाँ ठीक है तुमको एक गाइडलाइन दे दिया कि भाई अधिकारी और आप दोनों साथ में चलो हम कब शख्स हैं जब तक हमारे साथ में अधिकारी नहीं रहेंगे अगर हमारे साथ अधिकारी नहीं बैठा तो हम फेल हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे आज हमारे से ज्यादा पावर उनको अधिकारी लोगों को और अधिकारी को जब तक हम साथ में नहीं लेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं होने वाले हैं तो हमें कहीं ना कहीं उस टीम को एक बना करके साथ में लेके चलेंगे तो हम सक्सेस होते हैं हर एक काम में एक जमाना था जब कुछ ही पार्टियों का राज हुआ करता था चाहे वो कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कुछ अलग अलग पार्टियां अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो हो सकता है लेकिन आज गठबंधन की सरकारें चलती है और आज नहीं लगता कि आज मजबूरी हो गई है गठबंधन की सरकार को बनाना ए, हमारी पब्लिक से एक अपेक्षा है बेनती है कि किसी को भी दो लेकिन आप एक मेजोरिटी में दो जिससे वो अपने हिसाब से सरकार चला सके आज बंधन में गठबंधन में क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं मारे जाते हैं जो सत्ता में बैठा है वो चला नहीं पाता है अगर उसे एक काम करना है तो दस जन उसे बिगाड़ने के लिए तैयार हैं उसी पार्टी में ज्वाइंट है लेकिन उसको बिगाड़ने के लिए तैयार रहेंगे तो पता चलता है जो सत्ते में जो सरकार चला रहा है वो फिर नहीं चला पाता कि उसको संभाले कि उसको संभाले कि उसको संभालना तो हमारी वोटरों से विनती पब्लिक से बिनती है कि भाई किसी को भी जीता हो तो एक मेजोरिटी के साथ जीता हो जिससे वो जीत करके अपने हिसाब से आपका काम कर सके आज ठीक आज देश बहुत आगे बढ़ चुका है हमें उसे देखना कि उस काम को आगे और कैसे हम उसको मजबूत कर सके देश के लिए वो हमें देखना कि हम उसको मजबूत करने के लिए हमें क्या जरूरत हमें पार्टी को क्या देना है कि जो अगर मेजोरिटी में आता है तो वो अपनी सरकार चला करके दिखा सकता है देश को भाई मैं काम कर रहा हूँ अगर दस पार्टी ज्वाइंट हो गई उसी में गठबंधन हो गया तो पता चल सबको वो आपस में ही लड़ने लगते हैं और सभी लोगों को है तो कुर्सी की ज़रूरत है कुर्सी के चक्कर में सब लोग अपना वोट खराब करते हैं अब ठीक है बनारस में ही चला हर एक पार्टी चली गई सब लोगों ने वोटर उतने ही हैं उसी में सब पार्टियां बांट रही हैं उसी में से सब पार्टी बांट पार्ट रही वोटर लोगों को अब आप भी देखे होंगे कि कितनी पब्लिक नरेंद्र मोदी में आई राहुल गांधी में भी आई अरविंद केजरीवाल में भी टोपी बदली सर लोग वो शायद वही थे अब उसका गुड़ा क्या कर पाओगे लेकिन बीच में एक टक्कर दिया आप लोगों को सबसे जो बड़ी उपलब्धि है आम आदमी की वो है केजरीवाल की सरकार बनी थी और कांग्रेस को भागना पड़ा था नहीं केजरीवाल की सरकार बनी वहां की पब्लिक की जो गुस्सा थी मैं नहीं बोलता केजरीवाल कोई थे कहीं ना कहीं पब्लिक का गुस्सा था कि हमारे शीला दीक्षित के ऊपर गुस्सा था उस गुस्से को निकाल दिए केजरीवाल के ऊपर दे दी हम उसे सोच नहीं पाए हमें लगा कि शीला दीक्षित वहां पे कपे है आज की तारीख में देखना जाओ तो शीला दीक्षित सबसे ज़्यादा काम की हैं दिल्ली में चाहे रोड है कि मेट्रो रेल है हर एक चीज़ काम की लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ियाँ जो उन्होंने केयर नहीं किया उस गुस्से को उन लोगों ने उतार दिया केजरीवाल को चुन के दे दिया और छः महीने में छः ही महीने में केजरीवाल चला आपकी सरकार ने मुंबई के लोगों को एक सपना दिखाया था मेट्रो रेल का वो डेट पर डेट तारीख पर तारीख और आम आदमी अभी भी समझ नहीं पा रहा कि वाकई मेट्रो पे वो कब चढ़ पाएगा तो आप क्या कहेंगे आम आदमी को नहीं देखो हमारी सरकार काम कर रही है आज जैसे उन्होंने मनोरल चालू किया कुछ टेक्निकल हैं जिसे देख अठारह सौ सन्तावन की बंदूक रखे गए हैं सुरक्षा कर्मियों के पास आज की तारीख में आपको क्या कही <laughs> देखो ये देश की कमजोरिया मैंने क्या वही आपको बोला कि कहीं ना कहीं हमें साथ में जब तक हम लेते नहीं ब्यूरो और मंत्री साथ में नहीं चलते तब तक अगर हमें पॉलिटिक्स करना तो हम पॉलिटिक्स में ही रह जाएंगे अगर देश को सच्चा जानना है तो हमें ब्यूरोक्रेट्स के साथ में चल करके उस चीज़ को देश को बचाना तो उसके लिए करना चाहिए और हमें ज़रूरत है जैसे वेपन्स की अब बात करो हमें ज़रूरत है उसकी आज की नई टेक्नोलॉजी चाहिए नई हिसाब से चाहिए अभी आपके सामने है कि हमारे पास कई इक्विपमेंट आ जाते हैं लेकिन उसे ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है उसे ऑपरेट करने हो चाहे कारपोरेशन में मशीनें आ जाए एक्सरे मशीनें आपरेशन भी, भी तो जिम्मेदारी बनती है ना जागरूकता अभियान करें ट्रेनिंग दें लोगों को हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए उसे कि देखो ऐसा है कि गवर्नमेंट की एक थ्योरी है ठीक है कुछ लोग आज की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ लोग नहीं ट्रेन हुए हैं पहले कंप्यूटर आया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर चला किसी को कंप्यूटर सीखने नहीं आता था लेकिन आज धीरे 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 सब लोग आ गए कंप्यूटर लाइन पे आज चला रहे हैं लेकिन हमें क्या है कि ठीक उसे कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक सेपरेट करना चाहिए उस चीज़ को सेपरेट करने के मतलब कंप्यूटर जो चला जिस सब्जेक्ट से उसे मालूम है उसे वहीं पे बांधना चाहिए हम क्या गवर्नमेंट का एक सिस्टम है भाई तीन साल के बाद ये आदमी को ट्रांसफ़र करो पता चला वो आदमी तीन साल के बाद ट्रांसफ़र हो गया डेढ़ साल बाद कोई डाल दिया ट्रांसफ़र हो गया वो फाइल वहीं पर बंद हो जाती उसे कोई ओपन नहीं करता अगर वो आदमी वहाँ तक आगे बढ़ाया प्रोजेक्ट तो फिर वहीं पे बंद करता है प्रोजेक्ट वहीं पे बंद कर देता है हमें ये चाहिए कि भाई उसे चालू रखना चाहिए या तो वो आदमी फिक्स है तो उसे उसके ऊपर वाच रखना चाहिए कि भाई ये प्रोजेक्ट मैं इसको दिया तो ये कहाँ तक बढ़ा है ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे हम जिस भी कार्य को करें तो उसे हम पूरा कर सकें नरेंद्र मोदी की पत्नी का जो मामला आया था सर पहले छुपाया था उन्होंने अरुण जेटली ने कहा था कि टेक्निकली वो सही थे लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से उन्होंने अपना न परिचय दिया पत्नी का नाम बताया तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब असर हुआ देखने को विरोध में स्वर उठे लेकिन आपके जो नेता जी हैं आपके बहुत करीबी हैं दिग, दिग्विजय सिंह जी उनके ऊपर जब इस तरह का आरोप लगा कि वो पत्नी की मौत के एक साल पूरा नहीं हुआ फिर भी एक लड़की के साथ थे तो क, क, किस तरह से अब सोचते हैं देखो ऐसा है सबका अपने अपने आदमी का विचार है किसको किस लाइन पर जाना है अब वो दिग्विजय सिंह है उनका पर्सनल मैटर उसके लिए हमें बोल करके फायदा नहीं है मोदी का उनका पर्सनल लाइफ है उन्होंने छुपाया तो ठीक है चलो उन्होंने छुपाया तो आज तक कोई नहीं पूछा उनसे कोई नहीं पूछने गया कि आज तीन सप्ताह वो सीएम बने हर एक चीज हुआ लेकिन उनसे कोई पूछा नहीं उसमें चुनाव आयोग का भी था वो पूछना चाहिए कहीं कानून भी तो उसके साथ में है कि भाई आप मैरिज हो कि अनमैरिज हो अगर आप रहे हो कि अनमैरिज हो तो अभी कहाँ से मैरिज आके ये तो चुनाव आयोग पूछ सकता तो उनका अधिकार चुनाव आयोग का अधिकार है हमारे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी ये दिल्ली में मैटर उठा था जब महिला मिला हुआ था उसमें कार्यकर्ता लोगों में महिला लोगों में बैठे थे वो तो वहाँ पर एक लड़की ने पूछा था। कि आप मैरिज हो कि अन हो वहीं पे मोदी जी थोड़ा जवाब नहीं दें वहाँ तो घुमा दिए मैटर लेकिन उस चीज़ को कांग्रेस के लोगों ने और लोगों ने नोट करके रखा उस विचार पर अपना ओपन किया तो आज उन्हें ओपन होना पड़ा उन्होंने नाम डाला कि भाई ये नाम है ये चुनाव आयोग का काम है को से पूछना चाहिए भाई ठीक आप इतने सर क्यों नहीं नाम डाले और आज क्यों डाले आज तक कहाँ छुपा करें ये अधिकार चुनाव आयोग का काम है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से आदमी जुड़ा होता है तो भले ही पार्टी लेवल पे वो बात करता है लेकिन पर्सनली भी बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं सबसे सर आप कांग्रेस से हैं बाकी किन किन पार्टियों के आपके दोस्त हैं और पार्टी लेवल से उठकर भी कई बार काम करते हैं तो आपको कौन कौन से ऐसा नेता है जिससे उम्मीदें हैं इस देश के लिए नहीं हमारा हर एक पार्टी से मेरा किसी भी किसी पार्टी से नहीं हर एक पार्टी से मेरा वो है संबंध है बातचीत है हर एक चीज़ दोस्ती यारी सब चीज़ें एक काम करने सब की सबके एक अलग अलग थ्योरी होते है नेचर होते हैं किसको कौन से हिसाब से काम करना किसको कौन से हिसाब से काम तो आदमी जो काम करता है उसके लिए हमें लायक है आप किसी भी पार्टी से हाथ मिला सकते हैं अपने काम के लिए नहीं मैं हाथ किसी से नहीं मिलाता मैं अपने कर्तव्य अपने कर्मों अपने पब्लिक के हिसाब से मैं चलता हूँ अच्छा ऐसा अच्छा कोई सपना बाकी है आप या फिर जब सपना की देख रहे हैं कुछ कि मुंबई में कुछ आपके थ्रू ऐसा कुछ किया जाए जिसको लोग हमेशा याद करें कि ठाकुर साहब ने ऐसा किया देखो ऐसा है कि हर एक आदमी की सोच होनी चाहिए कि हमें क्या देना है पब्लिक में हमारे पास हमारे एरिया में हमारे विधानसभा में हमें क्या चीज़ है क्या नहीं देना क्या देना है हमें मेन चीज़ है कि हमें जो पुरावटें देनी है सुविधाएँ देनी है कि पब्लिक कोई आम चीज़ें हैं इनको यहाँ पर ज़रूरत है तो हमें देनी चाहिए उसमें आज मेरा ही है तो मैं तीन चीज़ प्रोजेक्ट डाला हूँ एक अभी जैसे पोइसर के लिए है कि हमारे बिहारी लोग छठ के लिए या तो जूहू जाते थे या तो नेशनल पार्क भागे फिर भी मैंने कॉर्पोरेशन से परमिशन लिया कि भाई हमें छठ पूजा गणपति विसर्जन की धर टैंक बनाने दो उन लोगों ने परमिशन दिया कि आप बांधो तो हमें आज की तारीख में हर चीज़ देखना है कि क्राइम से देख करके हर चीज़ देखना है अगर हमारी जनता हमारे उसके घर के बाजू में सुविधाएं नजदीक मिलती तो अपने घर पे जाके सुखी रह सकता है शाम को अपना पूजा पाठ अर्चना किया जाके घर पे बैठ सकता है सुबह फिर आ के अपना काम कर सकता है लेकिन आप लोगों पर अक्सर आरोप लगता है कि आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं छठ के नाम पर धर्म के नाम पर तब क्या गुजरती है आपके ऊपर क्योंकि राज ठाकरे ने जिस तरह से बिहारियों को निशाना बनाया था उत्तर भारतीय को निशाना बनाया था आपने भी महसूस किया था देखो ऐसा है कि अब वो उनके लिए पॉलिटिक्स है तो उनकी बात है आज की तारीख में हर एक आदमी का धर्म के ऊपर ज़्यादा वो है सभी लोग धर्म के ऊपर जाते हैं हर एक आदमी का धर्म हर एक आदमी का त्यौहार है ठीक है छठ बिहारी लोग मनाते उनके पहले से है जन्म सिद्ध अधिकार है वो अपना मनाते हैं और आज देखने जाओ तो ऐसा नहीं है कि बिहारी लोग ही मना रहे हैं आज सभी लोग उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं जैसे गणपति है गणपति देखने जाओ तो मराठी लोग करते थे महाराष्ट्रियन करते थे लेकिन आज गणपति को सभी लोगों ने श्रद्धा के हिसाब से हाथ में ले लिए चाहे यूपी वाला की चाहे बिहार वाला चाहे कोई भी हर एक कास्ट के लोग लिए सभी लोग घर में बैठाते हैं बाहर बिठाते हैं सार्वजनिक करते हैं घर में बिठाते हैं आज बढ़ते जा रहे हैं गणपति की उपेक्षा तो उसे कैसे बोलेंगे सभी लोग धर्म और धर्म के विचार है हिंदू धर्म का मुंबई में ट्रैफिक की समस्या बहुत विकट है सर एक घंटे की जगह हम डेढ़ घंटे भी जा सकते हैं दो घंटे भी हो सकता है कभी आपको लगता है कि आप भी कभी फंसे हैं और बुरी तरह फंसे हैं नहीं हम तो कई बार फंसे हैं हरदम शाम को आएंगे तो भी फंसे सुबह में जाएंगे तो भी फंसते हैं तो हमने देखा हूँ समस्याएं लेकिन समस्याओं का हल करना ठीक है हमने रोड चौड़ा किए हर एक चीज़ की लेकिन उसके हिसाब से हमारे पास गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं रोज़ की डेढ़ लाख गाड़ियाँ बाहर निकलती रोड पर आ रही हैं अब एक एक आदमी के बाद दस दस गाड़ियाँ बीस बीस गाड़ियाँ उसे क्या करेंगे हम उतनी जितनी सुविधाएं हम दे रहे हैं तो उतनी बढ़ती जा रही है लग्जरियस बढ़ती जा रही है भले हम बोलते हैं महंगाई ये महंगाई लेकिन महंगाई किसी को नहीं सब लोग खरीद रहे हैं ले रहे हैं हर एक ही चल रहा लेकिन मर कौन रहा है मीडियम का क्लास छोटे कास्ट के लोग मर रहे हैं लेकिन हम बड़े लोगों को नहीं जो भी मॉडल आ गए मॉडल के ऊपर भागते हैं मोबाइल अब मोबाइल नया आया तो जो ना बाजू में रखो उसको नया उठाओ ये चल रहा है तो उसके लिए भी गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई तो ट्रैफिक हम जामे कहाँ हमारा यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो जूनी गाड़ियाँ उसे क्रैश करना चाहिए एक सिस्टम बनाना चाहिए अब हम आठ साल के ट्रक के लिए दिए लेकिन आठ साल के बाद वो ट्रक तो आज भी हैं क्रैश नहीं हुए हैं कहीं ना कहीं वो चल रहे हैं बहुत अच्छा आइडिया ये बहुत अच्छा आइडिया तो उसे हमें जैसे बाहर है तो उसी हिसाब से हमें कहीं ना कहीं इसको एक पीरियड करके क्रैश करके ख़त्म करना चाहिए ये हमारी गवर्नमेंट से निवेदन है कि अगर हम ख़त्म करें तो हमें ट्रैफिक कि हर एक चीज़ की सहूलियत मिल सकती है उसके लिए अब चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि वाकई अभी देश की जो स्थिति बनेगी उससे कांग्रेस किस तरह से भयभीत है या फिर सुकून है उसको तीसरे मोर्चे की बात हो रही है आपको लगता है कि तीसरे मोर्चा की जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस भी शामिल होगी या फिर वाकई किसकी सरकार बनेगी देखो एक चीज़ है कि राहुल जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं मैं उसे सही मानता हूँ कि उन्होंने जो दिया कि भाई मुझे अपोजिशन में बैठना मैं किसी के साथ में नहीं रहूँगा वो बेटर देना मेरी चॉइस है कि एक बार ठीक है वो सामने वाले को देवें वो लोग देख के चला के देखें ठीक है राहुल जी ने सपोर्ट की दिल्ली में उसका नतीजा मिला अरविंद पब्लिक ने अरविंद केजरीवाल को दिया लेकिन उन्होंने दिया चलाने के भाई अब चलाओ क्या नतीजा निकला जो आदमी रोड का रोड छाप ही निकला उसकी आदत ही रोड पे बैठने की झाड़ू मारने की वही काम आएगा दूसरा कुर्सी का काम नहीं आएगा उसी पर बैठ सकते हैं बाकी नहीं कुछ कर सकते आखिरी सवाल चलते चलते उन मतदाताओं से क्या कहेंगे जिन्होंने आपको कुर्सी दी है पावर दिया है नहीं मैंने पहले ही बोला कि उन्हें मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे मतदाताओं को कि जिस तरह से वो अपने में हमारे ऊपर भरोसा रखें हम भी उनके ऊपर भरोसा रख के चलते हैं हमारा उनका यही मिलन कायम रहेगा का, मेरी भगवान से भी विनती रहती और आपके माध्यम से उन लोगों को संदेश देता हूँ कि भाई हम लोग साथ में मिल कर के कुछ भी काम है हम आपके जनता के लिए हम तैयार रहेंगे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए हाँ। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से ठाकुर रमेश सिंह ने प्लानिंग की है सोचा है और काम किया है उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी इनका जो एक स्टाइल है उससे आप रूबरू हो पाएंगे लेकिन इनका यह भी कहना है कि कुछ भी हो जाए परिस्थितियाँ कैसी भी हो शो मस्ट गो ऑन तो निश्चित रूप से ठाकुर रमेश सिंह की जो उपलब्धियाँ हैं उसको आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार क्योंकि एक जनप्रतिनिधि से जो सवाल उठाने का जो दौर दो, होता है दायित्व तो होता है वो मीडिया का होता है और हम इस कड़ी में लगातार आपको उन नेताओं से मिलवाते रहेंगे जिससे आप मिलना चाहते हैं जानना चाहते हैं कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ अवरिंद राजोस्ट लेमन न्यूज मुंबई अंडरवर्ल्ड की नब्ज जानता हूं मैं हर गैंग के राज जानता हूं मैं